लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अभी अभी इस मशहूर हीरोइन पर टूटा दुखों का पहाड़। मृत्यु से गम में डूबा पूरा बॉलीवुड। बॉलीवुड में बीते कुछ समय से बुरी और दुखद खबरों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर बात कीजिए चाहे मशहूर अदाकारा श्रीदेवी के निधन की या फिर हाल ही में 52 वर्षीय एक्टर नरेंद्र झा के आकस्मिक निधन की। ऐसा लग रहा है मानो बॉलीवुड पर कोई बुरा साया मंडरा रहा है। श्रीदेवी की मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। खास तौर से उनकी मौत की वजह को लेकर आज भी उनके प्रशंसकों में चर्चा होती रहती है। इस बीच बॉलीवुड से एक और दुखद खबर आ रही है, जिसमें बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन सेलिना जेटली को लेकर एक दुखद खबर आ रही है। सेलिना कई मशहूर फिल्म स्टारों के साथ काम कर चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल सेलिना जेटली की मां का हाल ही में निधन हो गया। इसके बाद सेलिना ने अपने फेसबुक आईडी पर मां के प्रति भावनाएं व्यक्त की और उन सभी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस घड़ी में सेलिना का साथ दिया। सेलिना की मां का 8 जून को कैंसर के चलते निधन हो गया था। सेलिना ने फेसबुक पर अपने मां की एक फोटो डाली और लिखा, मेरे 1000 आंसू भी अब आपको वापस नहीं ला सकते। आगे उन्होंने लिखा, मेरी प्यारी मामीता जेटली का 8 जून को लखनऊ में कैंसर की लंबी लड़ाई लड़ते हुए निधन हो गया और वो अपने पति कर्नल विक्रम कुमार जेटली के पास चली गई जो 11 महीने पहले दुनिया छोड़ गए थे। सेलिना ने कहा, एक आर्मी अफसर की साहसी बीवी, साहित्य की प्रोफेसर, एक एंटरप्रेन्योर और एक प्यारी दादी माँ। वो एक गंभीर बीमारी कैंसर से साहसपूर्ण तरीके से आखिरी सांस तक लड़ते हुए मर गईं। बता दें कि पिछले साल जुलाई के महीने में सेलिना के पिता और आर्मी अफसर विक्रम कुमार जेटली का निधन हो गया था। इस दौरान सेलिना प्रेग्नेंट थी और 2 जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थी। इसके अलावा सेलिना जेटली ने एक इंटरव्यू में पहले कहा था कि उनकी मां उनकी बेस्ट टीचर थी। फिल्मों की बात करें तो सेलिना पिछली बार फिल्म थैंक यू में नजर आई थी। इसके अलावा साल 2011 में सेलिना ने श्रीमती नाम की एक कन्नड़ फिल्म में भी काम किया था।